And I don't know how it's going to come out, but it is still. आपका क्या नाम है और क्या करते हैं? मेरा नाम रिंजिन है, मैं अभी चिल्ड्रन फॉर फ्री टिबेट में काम कर रही हूँ। रिंजिन, आज प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं आप? जैसा कि आप सभी को जानते हैं, बॉर्डर इंडो टिबेट बॉर्डर में जो गलवान के इलाके में हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उनमें से एक कमांडिंग ऑफिसर भी थे। तो चीन की इस दृढ़ता को हम बड़ी निंदा करते हैं और भारतीय के साथ और भारत की सरकार के साथ हम पूरे तिब्बती समुदाय एकजुट होकर खड़े हैं। इधर आपकी नज़र में इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इसका परमानेंट सॉल्यूशन जैसा कि 7 दशक से भी ज़्यादा से हम कह रहे हैं कि तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। क्योंकि जब तिब्बत एक आज़ाद देश था, भारत और चीन के खिलाफ या भारत किसी भी जो नेबरिंग कंट्रीज से उनके बीच में शांतिपूर्वक संबंध था, पर जब तिब्बत चीन के द्वारा कब्जा किया गया, तब से 1949 से लेके अब तक भारत सरकार को कहीं तरह की कठिनाई संघर्ष करना पड़ रहा है चीन के कारण। तो एक और अगर आप देखेंगे तो 70 बिलियन से भी ज़्यादा जो बजट है वो बॉर्डर सिक्योरिटी पे भारत पूरी बजट रखते हैं। तो इस प्रकार अगर तिब्बत एक स्वतंत्र देश होगा तो भारत सरकार को कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे बॉर्डर इंकर्शन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। तब इसलिए हम यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा, और भारत सरकार को तिब्बत की जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए और वन चाइना पॉलिसी को दोबारा देखते हुए उसका बहिष्कार करना चाहिए।